अपडेट मीडिया 24x7 हम आपको दिखाएंगे हर क्षेत्र से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में पूर्ण नशा मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह से मुक्ति को लेकर समाज सुधार अभियान के तहत बुधवार को अपनी यात्रा की शुरुआत चंपारण की धरती मोतिहारी के गांधी मैदान से की। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के जीविका दीदियों से संवाद किया। जीविका दीदियों ने समाज सुधार में किए गए अपने कार्य और अनुभव को मंच से साझा किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई जीविका समूह को करोड़ों रुपए का चेक दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि चाहे जो हो जाए लेकिन शराबबंदी लागू ही रहेगा। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार करने के लिए बयान देने वाले नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिन लोगों को शराब अच्छी लगती है वैसे लोग अनर्गल बयान देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए जीविका दीदियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं की मांग पर ही उन्होंने शराबबंदी किया था। शराब पीने से मौत को लेकर भी नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग शराब पीने जाते हैं तो उन्हें गलत शराब मिल जाती है, जिसके पीने से मरते हैं तो वैसे लोग पीकर मरेंगे ही। समाज में दहेज की कुप्रथा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के वैवाहिक कार्यक्रम के निमंत्रण कार्ड पर दहेज मुक्ति शादी लिखा होगा वे उन्हीं के शादी में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से यह भी आग्रह किया कि वे लोग भी वैसी शादी में ही शामिल होंगे। एक तरफ केंद्र सरकार ने लड़कियों के शादी की उम्र को 21 वर्ष करने का फैसला लिया है तो वहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बाल विवाह पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाज में आज भी बाल विवाह प्रथा कायम है। कुछ लोग बेटी को बोझ समझते हैं तो कुछ पुरुष महिलाओं को अपने से अलग समझते हैं, जबकि अगर माँ नहीं होती तो हम सब आज यहाँ नहीं होते। कार्यक्रम को मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, गन्ना उद्योग और विधि मंत्री प्रमोद कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, मद्य निषेध विभाग के अपर सचिव के पाठक और पुलिस महानिदेशक समेत सचिव स्तर के कई अधिकारियों ने संबोधित किया। अधिकारियों ने नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। इसलिए बाल विवाह बहुत बुरी चीज है, दहेज प्रथा तो बड़ा खराब है भाई। बहुत लोगों को लगता है कि हम लड़का को पढ़ा रहे हैं तो खूब खर्चा आता, तो उसकी शादी करेंगे तो जो आएगा तो उसे हम लेंगे, दहेज लेंगे तब हमारा पूरा होगा। इससे बढ़कर के खराब बात तो कुछ नहीं हो सकता। और कई जगह पर लोग करके शादी कर लेंगे और फिर तंग भी करते हैं, घर में भी लोग तंग करते हैं बिना मतलब का लड़की को कि हमको और पैसा मिलना चाहिए। भला बताइए पैसे की क्या भूमिका। इसलिए दहेज प्रथा बहुत बुरी चीज है और कानूनी रूप से यह अपराध है। इसलिए कृपा करके सब लोगों से, और इसमें तो हमारी बहनों को तो करना ही है, हमारे जितने लोग भी बैठे हुए हैं, राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, एकदम आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि निश्चित रूप से लोगों के बीच में प्रचार करिए कि दहेज प्रथा बहुत खराब चीज है। और जब हम लोगों ने इसके लिए अभियान चलाया भाई, इसके लिए भी 17 में कितना अभियान चलाया, 18 में उसके लिए भी मानव श्रृंखला बनी, कितना बढ़िया बना। और बाद में तो उस समय कोई शादी का कार्ड भेजते थे तो लिख देते थे कि हम अपने बेटा का ब्याह जो कर रहे हैं इसमें कोई दहेज नहीं लिए। अब आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों का कार्ड आ रहा है उसमें लिखा ही नहीं रहता कि दहेज नहीं है। ते भाई कृपा करके अब हम तो खैर आज आपको कह देते हैं समाज सुधार अभियान के पहले दिन, अब पहले भी हम यही पालन करते थे, आज हम फिर कह देते हैं अगर जिनका भी चाहे कोई मित्र कितना भी करीब क्यों ना हो, अगर उनके कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ नहीं है कि शादी में दहेज नहीं लिया गया है, उसी शादी में हम अटेंड करने जाएंगे, बाकी में तो हम नहीं जाएंगे। अब बाकी सब लोगों से कहेंगे वो रहे तभी जाइए, नहीं तो मत जाइए। ये जिस दिन आप तय कर लीजिएगा समझ लीजिए कि ये दहेज प्रथा से भी मुक्ति मिलेगी। तो हम लोगों को जैसे शराबबंदी के लिए काम करना है उसी तरह से बाल विवाह को भी रोकना है और दहेज प्रथा उसके लिए। अपडेट मीडिया के लिए मोतिहारी से अमित कुमार की रिपोर्ट।